आइए जानते हैं बिग बॉस के घर के उन 10 घटिया गंदे घिनौने राज के बारे में जो हर कोई नहीं जानता। नंबर 1, अल्कोहल बैन है, मगर 4 बोतल वोदका कहां मेरा रोज का, ना उन्हें कोई रोके पर बिग बॉस ने रोका। जी हां दोस्तों, बिग बॉस एक पारिवारिक शो है और पारिवारिक शो में दारू पार्टी मतलब होता है बिग नो। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में जो दिखता है वही सच है, या इसके पीछे भी कोई गोलमाल है, या फिर कोई ना कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। वेल, जिन सदस्यों को पीने की लत होती है उनके लिए बिग बॉस के घर में बकायदा मदिरा पान का पूरा इंतजाम किया जाता है। जी हाँ, बस इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है कि बाकी लोगों को इसकी भनक ना लगे, इसलिए मदिरा उन्हें जूस के डिब्बे में भर कर दी जाती है ताकि उनका भी मूड बना रहे और शो भी चलता रहे। अब रही बात धूम्रपान की, तो स्मोकिंग एरिया से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे ही होंगे, क्योंकि पिछले सीजन में साजिद पूरा टाइम उसी की एडवर्टाइजमेंट करते हुए दिखाई दिए थे। नंबर 2, बिग बॉस का स्क्रिप्ट राइटर कौन है? ये बिग बॉस की 98 आंखों के पीछे कौन छुपा है जिसकी आवाज आती है लेकिन दिखाई नहीं देता? देखिए दोस्तों, विजय सिंह है जो बिग बॉस की आवाज है, लेकिन विजय के पहले यही आवाज अतुल कपूर की हुआ करती थी। और जब विजय से पूछा गया कि क्या बिग बॉस स्क्रिप्टेड शो होता है, तो उन्होंने तुरंत इस खबर को नकार दिया। लेकिन शो के विनर और रनर अप रुबीना, प्रियंका चौधरी और सिद्धार्थ को देखकर बिग बॉस 7 के अपूर्व अग्निहोत्री ने ये साफ किया कि चैनल कलर्स के मशहूर चेहरों को जिताना चाहता है, मगर दूसरी तरफ जब ये बात सलमान भाई के पास पहुंची तो उन्होंने तुरंत सब कुछ चुप करा दिया। नंबर 3, रूल्स की तो ऐसी की तैसी, चाहे जियो का रेंज कहीं भी आए या फिर ना आए, लेकिन बिग बॉस के घर में उसे भी है नो एंट्री। पर बिग बॉस अपने सदस्यों की फैमिलीज के बारे में भी सोचते हैं। जी हाँ, जहाँ हर सीजन में एक बार सदस्य उनकी फैमिलीज के साथ में बात करते हैं, मिलते हैं, इसके अलावा फोन यूज करने की अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन करण बोरा का इंटरनेट प्रेजेंस देखकर कई लोग चौंक उठे थे कि वो बिग बॉस में होकर भी इंस्टाग्राम पर रील्स पोस्ट कैसे कर रहे हैं, भाई साहब ये क्या चल रहा है। इसका जवाब देते हुए करण की टीम ने कहा कि ये करण का काम नहीं है, पर उनका कहना तो मान लिया। मगर लोगों के सामने कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जहां मोबाइल का चार्जर भी दिखाया गया और मोबाइल को पॉकेट में डालते हुए भी लोगों ने देख लिया। ये क्या गोलमाल है भाई साहब, क्या चल रहा है। नंबर 4, खाना सोना और घर की सफाई, बिरयानी, आलू गोश्त, करेला गोश्त और न जाने क्या क्या। बिग बॉस की एक सदस्य प्रिया मलिक ने बताया कि वीकेंड पर उन्हें सलमान खान खुद खाना भिजवाते थे, और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, सलमान कई बार उनके लिए ब्रेकफास्ट भी भिजवाया करते थे जहां वो सारे के सारे सीन्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता था। लेकिन ऑडियंस को तो यही दिखाया जाता है कि बिग बॉस वाकई में बहुत सख्त हैं और कई बार तो इनका खाना छीन लेते हैं। वेल, इनकी साफ सफाई की बात करें तो दिन में एक समय पर हाउसकीपिंग आके पूरे घर को साफ कर देता है। वेल, इनकी साफ सफाई की बात करें तो आपको बता दें कि दिन में एक बार एक समय में हाउसकीपिंग आके पूरे घर को बढ़िया तरीके से साफ सूफ कर देता है। नहीं तो जिस तरह की धमा चौकड़ी ये करते हैं, इनके भी बस का नहीं है कि इस तरह से घर को चमका सके। और बिग बॉस को मेंटेन रखने के लिए ऐसी ही कुछ ट्रिक्स यूज की जाती है। अब अगर सोने की बात करें तो आपको क्या लगता है कि हर दिन सब सदस्य 9 बजे ही उठते होंगे? अरे नहीं भाई साहब, कई बार तो इन्हें दिन में भी सोते हुए देखा गया है। पर क्या है ना, घर में ऐसी जगह भी है जहां कैमरा ना लगा हो, वहां ये खुल के सो सकते हैं मजे से। नंबर 5, बिग बॉस कपल्स की पोल। अब देखिए, बिग बॉस एक फैमिली शो है और एक पारिवारिक माहौल बनाया जाता है यहाँ पे, इसी वजह से इसमें से अश्लील सीन्स को काट दिया जाता है। सोचो, आज तक बिग बॉस के अंदर इतने सारे कपल्स आ चुके हैं, आ नहीं चुके हैं तो यहाँ पे कपल्स बन ही जाते हैं, तो बिग बॉस वालों ने कितने सीन्स काट के लोगों को दिखाया होगा। लेकिन कैमरे में किसिंग के साथ ही बिग बॉस के बाथरूम में से कुछ आवाजें भी आई हैं। इतना ही नहीं, बिग बॉस 11 में तो खुलेआम शॉर्ट्स के बटन खोलने की बात भी आई थी। जी हाँ, अब देखिए, आप भी समझ सकते हैं कि ऐसी सब चीजें स्क्रिप्टेड होंगी या नहीं होंगी आपके ऊपर छोड़ते हैं। पर क्या कलर्स जैसे फैमिली चैनल पर ऐसी हरकतें दिखानी चाहिए? पर नहीं भाई साहब, कंट्रोवर्सी के नाम पर चलता है ये शो बिग बॉस, और ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर तो ये सारी चीजें बड़े धड़ल्ले के साथ में दिखाई जाती है। नंबर 6, ऑडियंस का भेजा प्राय। अब बिग बॉस में हर चीज कंट्रोल की जाती है, आपकी वोटिंग भी। तो क्या इसका मतलब ये है कि आपका वोट भी फेक है? नहीं नहीं नहीं, जरा गौर से सुनिए, आपका वोट उतना ही रियल है जितना कि सल्लू भाई इंडिया के मोस्ट एलिजिबल बैचलर होने के बावजूद कुम्हारा होना उनका है। और रियल शो होने के साथ साथ इसमें इन्फ्लुएंस का झोल भी है। पब्लिक खुद बोलती है कि जो शो करोड़ों में बने उसके पास सोशल मीडिया टीम भी तो करोड़ों की होगी ना, और ये सोशल मीडिया टीम 24 घंटे ये गणित लगाती रहती है कि कौन शो में टीआरपी लाता है और कौन सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग है, जिससे बिग बॉस को पता चल जाता है कि कौन से सदस्य को वोट आते हैं और कौन से को नहीं, और बस गेम हो जाता है यहाँ पे फिक्स। इसी के साथ ही कास्ट बनना चालू हो जाती है, बिग बॉस जिसे चाहते हैं वो सदस्य हार कर नॉमिनेशन में और वहाँ घर से बाहर चला जाता है, तो नॉमिनेशन के दौरान तो वो सदस्यों को ज्यादा वोट मिल जाए तो नॉमिनेशन
नॉमिनेशन के दौरान वो सदस्यों को ज्यादा वोट मिल जाएं, तो नॉमिनेशन के बावजूद कोई बेघर बेघर नहीं होता है। बिग बॉस के कंट्रोल में ये भी होता है कि टास्क में कौन किसके खिलाफ खड़ा होगा, और वो जानबूझकर जिनके बीच में पहले से 36 का आंकड़ा हो उन्हें बनाते हैं एक दूसरे के खिलाफ। जैसे कुछ दिन पहले वेदिका और अभिषेक के बीच में टास्क रखा गया था। हालांकि कभी लड़ाइयां बातों से बढ़कर लात घूंसों तक पहुंच जाती हैं। मतलब शो के झगड़े रियल होकर भी फेक होते हैं। नंबर 7, भाईजान का अंदर और बाहर। अब देखिए, आज बिग बॉस में सलमान खान की जगह शाहरुख खान नजर आते अगर उन्हें शूटिंग के दौरान शोल्डर इंजरी नहीं होती। पर भाईजान तो भाईजान है ना, वो कभी भड़क जाते हैं तो कभी सुलह करवाते हैं, और अगर किसी ने बात नहीं मानी तो वो अपनी बात भी मनवा लेते हैं। तो क्या ऐसा सीन भी होता है? क्योंकि अगर देखा जाए तो बिग बॉस में पहले ऐसे सदस्य आए हैं जो सलमान के काफी क्लोज थे, क्योंकि साजिद अरबाज खान के बहुत क्लोज हैं। तो क्या भाईजान अपने करीबी लोगों के लिए अंदर जाते होंगे? ये अपने आप में मिस्ट्री है, और इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नंबर 8, ईश्वर, अल्लाह और भगवान। देखिए दोस्तों, दुनिया अपने घर में भगवान को ला सकती है, पर बिग बॉस के घर में भगवान को लाना ना 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 ना, ये तो मतलब बिग बॉस के घर से रिटर्न टिकट करवाने के जैसा है। सीधे सीधे बोले तो बिग बॉस के घर में किसी भी धार्मिक किताब को नहीं लाया जा सकता, फिर चाहे भगवान की गीता हो, कुरान हो या फिर बाइबल ही क्यों ना हो। लेकिन सिर्फ धार्मिक ही नहीं, असल में बिग बॉस के घर में किसी भी तरह की किताब लाना ही अलाउड नहीं है। और हो भी क्यों ना, जिस घर में हर दिन कॉन्ट्रोवर्सी को तरोताजा करना हो, वहाँ कोई शांति से बैठकर अपनी किताब पढ़ेगा तो मेकर्स ऑडियंस को मिर्च मसाला क्या खुदाकर एक्टिंग करके दिखाएंगे क्या? जी हाँ। नंबर 9, कंट्रोवर्सी है तो एंटरटेनमेंट है। और बिग बॉस के लिए एंटरटेनमेंट बोले तो कंट्रोवर्सी। अब देखिए दोस्तों, आपको हर सीजन में ऐसे ही सदस्य मिलेंगे जिनका नाम कंट्रोवर्सी से घिरा रहा हो, और इनमें से सबसे बड़े सारे कंट्रोवर्शियल लोगों को शो में उनकी मैली इमेज को साफ सुथरा करने के लिए लाया जाता है। कन्फेशन रूम, टास्क, सेलिब्रिटीज, फैमिली मेंबर्स, सलमान खान का वीकेंड का वार, इन सबके जरिए इस काम को अंजाम दिया जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे पिछले सीजन में आए साजिद खान, जब वो घर में घुसे थे तो लोगों के बीच में सिर्फ अपनी फ्लॉप फिल्मों और #MeToo यानी कि यौन शोषण के आरोप के लिए फेमस थे, पर घर में घुसते ही उनकी दोस्ती सबका दिल जीतने वाले अब्दुल राजिक से हो गई, उनकी मंडली बनी और लोग उनकी सारी पुरानी बातों को भूल गए। वैसे ये सीजन में भी अच्छी खासी दोस्ती का मसाला देखने को मिल रहा है, और यही कहानी एक बार फिर से शो में होती हुई नजर आ रही है। वहीं बिग बॉस टीम के सदस्य रह चुके विशाल कोठियार ने कहा कि साजिद इमेज क्लीन करने आए हुए थे, उन्हें इमेज क्लीन करनी थी, उन्होंने की और सही टाइम पर घर से बाहर भी निकल गए। पर जैसे बिग बॉस इमेज क्लीन करते हैं वैसे ही गंदी भी करते हैं, और इसका एग्जांपल है पुनीत स्टार, जिन्हें शो में बुलाया गया लेकिन जब उन्होंने शो में कॉन्ट्रोवर्सी करने की कोशिश की तो उन्हें पागल दिखाकर शो से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि उनके फैंस पुनीत सुपरस्टार के साथ खड़े हैं, और यहां पे बिग बॉस का पासा उन पर ही उल्टा पड़ गया। वैसे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।